नमस्कार आम सर सहित मु मंदाकिनी प्रथम देखिबा हेडलाइंस। एप्रिल 29 तारीख रे हेबो मैट्रिक परीक्षा समिटिव असेसमेंट 2 पद्धति रे परीक्षा देबे छात्र छात्री। तीनोटी पद्धति रे हेबो मार्किंग। निज स्कूल रे परीक्षा देबे छात्र छात्री। बदलिबे शिक्षक। चारि राज्यर बम्पर विजय पर अहमदाबाद रे प्रधानमंत्री विमान बंदर रु गांधीनगर पार्टी ऑफिस जाए 9 किलोमीटर व्यापी रोड शो। प्रधानमंत्री टिके झलक देखा लोकों मध्य प्रबल उत्साह। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग विजिलेंस रेड। टाटा पावर पश्चिम ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन रो जनरल मैनेजर को घरे चढ़ाऊ। संतोष कुमार दर्जी को घरे रेड एककालीन तीनोटी स्थान में चढ़ाऊ। लाइनच्युत है माल बोझे ट्रेन। किरणजुल विशाखापाटना जाता समय दुर्घटना। घटनास्थल में पहुंचला कोरापुट उद्धारकारी दल। बातिल है विशाखापाटना किरणजुल रेलपथे जा समस्त ट्रेन। युवकों छुरामाड़े अन्य जड़े युवक मृत। कोरापुट बिशिहारपुर गांव में घटना। मृत युवक पी सर्वेश्वर राव। छुरामाड़ अभियुक्त अनिल हरिजन फेरार। नवरंगपुर सिंधीगुड़ा गांव में भालू दुई छुआ को धरी गां भितरे बुलुची मां भालू। खाद्य अन्वेषण में गांव रु गां को बुलुचंती वन्यजंतु। भयभीत लोके आसबाबे संपूर्ण खबर को। मैट्रिक द्वितीय समेटिव परीक्षा समस्त छात्र छात्री बाध्यतामूलक होइछि। चलित वर्ष समेटिव असेसमेंट 2 परीक्षा हेबो। एही परीक्षा समस्त छात्र छात्री बाध्यतामूलक बोली प्रेसमिट करी कहिछन्ति मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र। पिलामाने जथा संभव निज स्कूल रे परीक्षा देबे। अन्य स्कूल रा शिक्षक शिक्षयत्री परीक्षा दायित्व रे रहिबे। निज स्कूल रे परीक्षा होइ न पारिले निकटतम स्कूल रे परीक्षा करा जेबो। एप्रिल सेसर हेबो मैट्रिक समेटिव 2 परीक्षा। एप्रिल 29 रु मे 6 तारीख पर्यंत परीक्षा हेबारे मुख्य शासन सचिव सूचना देछंती। मैट्रिक परीक्षा मूल्यांकन रो तीनोटी पद्धति रहिछि। प्रथम पद्धति होउछि समेटिव 1 एवं इंटरनल असेसमेंट रो 2 गुणा हेबो। द्वितीय पद्धति समेटिव 2 रो मार्क 2 गुणा परि हिसाब करा जेबो। सेहिपरि तृतीय पद्धति इंटरनल असेसमेंट रो 20% समेटिव 1 रु 30% समेटिव 2 रु एवं 50% नियाजिब मार्किंग करा जिब। जो पद्धति में सर्वाधिक मार्क रहिबो ताहा चूड़ांत मार्क भाव धरा जिब। ए वर्षर मैट्रिक परीक्षा पई राज्य सरकार अनेक आलोचना करिसेंती। माध्यमिक शिक्षा परिषद छात्र छात्री अभिभावक शिक्षाविद दाबी एवं अनुरोध को नजरे रखी समेटिव असेसमेंट 2 परीक्षा पई परामर्श देथिले। परिकि दिनकु दुईटी बदल में गोटे विषय परीक्षा हेबो। सका 8 परीक्षा आरंभ हेबो। कम दिन में परीक्षा शेष हेबो बोली निष्पत्ति निया जाइछि बोली मुख्य शासन सचिव सूचना देछि। चलित बर्षर दशम श्रेणी बा मेट्रिक परीक्षा पई राज्य सरकार गोटे इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं चंदे। एक भयावह परिस्थिति मध्य दे सब छात्र छात्री माने गत 2 वर्ष हला गति करिसेंते। अनेक पिला स्कूल को जाई पार नहंती एवं लॉकडाउन शटडाउन इत्यादि जोगु स्कूल मध्य अधिकांश समय बंद रही छि। एही वर्ष 2021 एवं 22 शिक्षा वर्ष रे वर्तमान परिस्थिति रे सामान्य उन्नति होई छि एवं श्रेणी गृह रे जो शिक्षादान व्यवस्था मध्य ताहा किछि मात्रा रे ए वर्ष करा जाई पार छि। पाखा पाखे 60-70% पिला हाई स्कूल रे दशम श्रेणी में शिक्षादान करने क्लास अटेंड कर सब को आखि आगे रखी यर्षर मैट्रिक परीक्षा करने पूर्व राज्य सरकार तरफ आम माध्यमिक शिक्षा परिषद को अनुरोध कर समस्त स्टेक होल्डर मान सहित डिस्कशन करी गोटे मेथड बाहर करने कि वर्षर दशम श्रेणी परीक्षा एवं तार मूल्यायन इत्यादि करा जाय परिबो। सेतिपई माध्यमिक शिक्षा परिषद तरफ रु छात्र छात्री शिक्षक समाज शिक्षक संगठन रो सदस्य अभिभावक अभिभावक मानकर जो संगठन अछि ता छडा
विभिन्न शिक्षा विभाग पदाधिकारी एवं शिक्षाविद ओडिशार मान्यगण्य शिक्षाविद मान सहित विस्तृत भाव में यह विषय आलोचना करा किभली ए वर्षर दशम श्रेणी परीक्षा एवं मूल्यांकन इत्यादि करा जिवो जो पाठ्य खसड़ा कोर्स करिकुलम जोटा वर्तमान पाठपढ़ा चली ऑफलाइन मोड रे जहाँ जना पड़े जेहेतु मार्च 15 तारीख सुधा प्राय सरी आसिबो तेणु समस्ते सजेसन देइछन्ते एप्रिल मासर शेष सप्ताह रे मैट्रिक परीक्षा करिया पई ए सबो मतामत को आधार करी तथा छात्र छात्री अभिभावक शिक्षक समाज समस्त मतामत को आधार करी सरकार डिसाइड कर समेटिव असेसमेंट टू परीक्षा ए वर्ष कर समस्त बाध्यतामूलक रहिबो। तबे संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती बालेश्वर बालियारू आम प्रतिनिधि प्रकाश महांती। प्रकाश वर्तमान आपण के स्कूल रे उपस्थित अच्छा एवं जो भाई भाव में वर्तमान डिक्लार करागला जे मैट्रिक परीक्षा तर ऑफलाइन रे करा जिवो एवं एप्रिल 29 तारीख रे करा जिवो केमिति देखुचंती घटना को एवं कौन प्रतिक्रिया आसुची देखु मंदा कि आम बर्तमान बालेश्वर जो बालिया सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो अच्छे सेठे अच्छू जे कि पिला बर्तमान जेहेतु क्लास चली तो आपने देखुवे गुरुजी गुरुमा मैंने क्लास करूँ सबुठ बड़ कथ होते पिला मैंने जो दुई दीर्घ दुईट शिक्षा वर्ष कथा आम कह चलित शिक्षा वर्ष कथ कह तो पिलाने कौटना कौटी से शिक्षा को लेकिन कौटना कौटी टी से ये कि केमी से परीक्षा देवे और मेट्रिक परीक्षा केमी हम कि नहीं जो केत ऑफलाइन केत ऑनलाइन एभली भितर से पाने जुझी होते से गोटे सन्देह भितर थे तो जहाँ भी हूँ शेष जो कथ कभी परामर्श को लेकिन राज्य सरकार एक निष्पत्ति सिद्धांत पहुँची जे कि जो आसंता एप्रिल मस शेष आड़ अर्थात 29 तारीख आड़ को मैट्रिक परीक्षा हे और मे 6 सुधा से परीक्षा सर ए नहीं कि विभिन्न प्रकार जो एक गाइडलाइन गणशिक्षा विभाग प्रस्तुत जारी कर तो पाने यार भितर केमी परीक्षा देवे और कौन रोर जो प्रतिक्रिया एवं आउ जो गुरुजी गुरुमा मैंने से पाने जो परीक्षा रही जो विषय वस्तु रही सब से सब के सरी कि नहीं यार भितर पाने परीक्षा देवे तो आम प्रथम जाणी जे कि जो कथा हो पाने कौ भाव प्रस्तुत रही आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ एथर मैट्रिक परीक्षा निज स्कूल पाने देवे यह परिचालना करने अन्य स्कूल शिक्षक मैंने शिक्षयित्री मैंने रोबे तो यदि कौन पिला परीक्षा नदे पारती कौन से स्कूल नईपे ता पाखर थिबा स्कूल मैट्रिक परीक्षा हबो तो ये भाव जितने राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं प्रथम आम जो छात्री मैंने अच्छा छात्र मैंने अच्छा आम रिएक्शन ना कौन कह बर्तमान कि समय पूर्व जे कि मुख्य शासन सचिव कहले कि मैट्रिक परीक्षा ऑफलाइन मोड रे एप्रिल 29 तारीख भितर हे 6 तारीख भितर सरिबो केते प्रस्तुत अच्छा ये निष्पत्ति को कौली देखुं प्रथम निहाति भाव में निहाति प्रस्तुत अच्छु जे आम बहुत परिश्रम करूँ एवं अपेक्षा करूँ जे हला केबे सरकार तरफ गाइडलाइन आसीबो एवं आम परीक्षा प्रस्तुत हबु निहाति भाव जोरसोर प्रस्तुत एवं करूँ जो असुविधा भितर कि निजे टे भय लगुव कि ना के अफलाइन केत अनलाइन केत परीक्षा हो पड़ा कोर्स अच्छे कि नहीं जो परीक्षा हम केमी कौन मूल्यायन हम ये सब कथ चिंता आस हाँ आसी से कथा निहाती भाव आसेतु परीक्षा एम गाइडलाइन तरफ परीक्षा हम तो आम निहाती भाव खुशी होता सहित मूल्यांकन तो कहलाजे निज स्कूल परीक्षा करना अन्य शिक्षक शिक्षयित्री मैंने आसबे तो निहाती भाव भल से परीक्षा हम बोल भावु आम छात्र छात्री मैंने भी प्रस्तुत आज्ञा कौन कहे जो समेटिव आसेसमेंट टू परीक्षा जो एक तो जाइए तो दुई जो परीक्षा हम समेटिव आसेसमेंट टू परीक्षा से सब छात्र छात्री बाध्य रखी और तीन पर्यायर जो मूल्यांकन कथा कह हम तो ए नहीं कि प्रकृत जो कथ कहते पिला जितने ऑफलाइन पाठ पढ़ुते ऑनलाइन पाठ पढ़ुते से जो विभिन्न प्रकार डाउट कथ कहला से क्लीयर हो पार नए तो बर्तमान जो परीक्षा घोषणा गोटे प्रकार हो गला हम जो ऑफलाइन आपण मैंने बहुत समय चाहूँ जो आम ऑफलाइन परीक्षा हो शेष निष्पत्ति है हाँ आमे माने बहुत मानसिक चापरे थिलुचे परीक्षा हबो कि नाही एबे सुनी कि परीक्षा हबो बहुत खुशी लागुचे आमे माने परिश्रम भी करूछु ना आम स्कूल रे डाउट क्लियर होउथिला आमे माने स्कूल आसथुलु एबे तो स्कूल चालीचे ऑफलाइन रे
ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେବନି। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିବ କି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ନିଜ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଯେହେତୁ ଖରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଜାଣୁଛି ତ ସେହି ହିସାବରେ ସରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ କୌଣସି ଇଏ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍କୁଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ନା ଖରା କଥା କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନହେଇକି ବି ଯଦି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆହୁରି ଭଲ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିଥାନ୍ତା ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ प्रकाश जमी आप आलोचना करुँचे पिलाने खूब खुशी अच्छा जेहेतु से दुई वर्ष व्यवधान पर बर्तमान मैट्रिक परीक्षा देवाई जाऊँच अफलाइन परीक्षा देवाई जाऊँच से बहुत खुशी अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपणकर तमाम सूचनापाई बर्तमान आम सहित अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि स्वप्नांजलि महांती स्वप्नांजलि बर्तमान आप स्कूल उपस्थित अच्छा से कौन प्रतिक्रिया आसूँ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେବେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲରେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ସ୍କୁଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ମନ୍ଦାକିନି ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ ଟିଚରମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ତିନୋଟି ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯିବ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁ 20% 30% ଏବଂ 50%ର ମାର୍କକୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ତାଙ୍କର ସମେଟିଭ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ପିଲାମାନେ ଖବର ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଏଇଠିକାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଖବରଟି ଜଣାଯାଇନି ତେଣୁ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଇପାରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ମେ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଏହା ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ର ଦୁଇ ଗୁଣ ୱେଟେଜ୍ କରାଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ୱେଟେଜ୍ ଦେଖାଯିବ ଯେ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାର କରାଯିବ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦୁଇ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ ଏବଂ ତିନୋଟି ପଦ୍ଧତିରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ମନ୍ଦାକିନି ସେମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଚାରି ରାଜ୍ୟର ବମ୍ପର ବିଜୟ ପରେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଏଁ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 9 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ କରିଛନ୍ତି ରୋଡ୍ ଶୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅହେତୁକ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟିକିଏ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ଗୁଜରାଟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପିର ଐତିହାସିକ ଜିତ୍ ପ୍ରାୟ 4 ଦଶନ୍ଧିର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଲଗାତାର ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟର୍ମ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏଥର ବିଜେପିରୁ ମୋଟ 403 ଆସନରୁ 255 ସିଟ୍ ମିଳିଛି ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଦେଖିବା ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 41% ଲୋକ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବିଜେପି ପ୍ଲସ 273 ଆସନ ଜିତିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ନା ଦଳର 12 ଏବଂ ନିଶାଦରର 6 ସିଟ୍ ରହିଛି ଯାହା 2017ରେ 40% ରହିଥିଲା ଗରିବଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗୀଙ୍କ ଶାସନ ସ୍ଲୋଗାନ ପୁଣି ଥରେ ୟୁପିକୁ ଗେରୁଆମୟ କରିଛି ବିଜେପିର ଏହି ବମ୍ପର ଜିତ୍ରେ ଏସ୍ପି ବିଏସ୍ପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଛି ବିଜେପିରୁ ଓବିସି ଭୋଟ ନେଇଯିବାର ଦାବି କରି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହାରର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି
मार्च 15 रे पुणि थरे उत्तर प्रदेश रे मुख्यमंत्री पद पई शपथ नै परंती योगी आदित्यनाथ एहाकु नै आरंभ होई गलानी चर्चा एवं आलोचना। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन रे संख्या गरिष्ठतार सह भाजपा विजयी हेबा परे एबे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल शपथ उत्सव को नै चर्चा आरंभ होई जाइछि। होली पूर्वरु क्षमता को फेरीथिबा नूतन भाजपा सरकार शपथ ग्रहण करिपारंथे। योगी आदित्यनाथ होली पूर्वरु अर्थात मार्च 15 रे शपथ ग्रहण करिपारंथे बोली कुहा जाउछि। एही शपथ ग्रहण समारोह रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाहक समेत अन्य केन्द्रमंत्री तथा भाजपार वरिष्ठ नेता माने सामिल हेबे। तेबे भाजपा शासित राज्य गुड़िकर मुख्यमंत्री माने मध्य एहार एक अंश होइपारंथे बोली सूचना मिलिछि। तेज संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित सीधासख जोड़ उत्तर प्रदेश लक्ष्मण आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र। प्रदीप्त वर्तमान कौन आसुच्छ अपडेट खबर? निश्चित भाव में दागिनी आप जो कथा कहले वर्तमान मु उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्य कार्यालय अच्छी और देखिपे ये वर्तमान चलचंचल स्थिति बा गहली चली देखा मिलूँ कारण बीजेपी उत्तर प्रदेश में पुणी थरे सरकार को फेरी विपुल बहुमत बीजेपी विजय हो 273 सीट बीजेपी और ता सहित मेट सरकार पाई एटी तमाम जो मैंने विजयी विधायक अच्छा से आसिक पहुँचुंट केन्द्रमंत्री मैंने आसिक पहुँचुंट जो मैंने बीजेपी सांसद अच्छा से आसिक पहुँचुंट से शुभेच्छार सुअ छुटुची ये जड़े केन्द्रमंत्री एक समय पूर्व आसिक पहुँची कौशल किशोर केन्द्रमंत्री आसिक पहुँचुंट सहित आम एक समय पर आलोचना करवा कितु मुझे चाहे जे वर्तमान दुईट चित्र देखा मिलूँ उत्तर प्रदेश रे गोटे चित्र हूँ बीजेपी राज्य कार्यालय चित्र जोटी की गहली चली एवं भिड़ देखा मिलूँ कारण पुणि थे से सरकार को फेर द्वितीय चित्रटे हूँ समाजवादी पार्टी से पार्टी अफिस्र से संपूर्ण भाव श्मशान शून्यता देखा मिलूँ पूरा खाँ खाँ देखा मिलूँ कारण से पुणी थे हार 2017 हारी पुणि थे 2022 जहाँ साधारण जनता और बीजेपी कार्यकर्ता नेता मैंने कहते तबे एठी कौशल किशोर जी अच्छा केन्द्रमंत्री अच्छा आलोचना कर क्या बोलेंगे सर? किस तरह से लेते हैं, किस तरह से देखते हैं? हमारी जो ये जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की इसमें परवर्ती समय नवा मंदाकिनी परवर्ती समय नवा प्रतिक्रिया वर्तमान जेहेतु भिड़ रही अनेक संख्यार गणमाध्यम पहुँची से आलोचना करठार जो मैंने नेता आसुंच जो मंत्री मैंने आसुंचने आलोचना करे ये जो दृश्य बर्तमान देखुं कि समय पूर्व मुझे आलोचना करी जड़े सांसद मत राज्यसभा सांसद आठी पहुँची थे सहित आलोचना करी से कहते किपर भाव एटी अनेक संख्यार पहुँची जो मैंने नेता से मुझे जहाँ आलोचना करी किसम पूर्व तेज आउ जड़े नेता अच्छा सहित आलोचना करवा जी। इस बार आप दूसरी बार लगातार सरकार में आए हैं तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? पूरा श्रेय मोदी जी और योगी जी को, उन्हीं के नेतृत्व के कारण इतनी जो है बड़ी सफलता पार्टी को मिली है। अभी तो मतलब समाजवादी पार्टी अभी भी यही आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने धांधली करके विजय उनका विजय हुआ, ईवीएम का टेम्परिंग किया, ये सब आरोप अभी भी उनका जारी है। जो हार जाते वो आरोप ही लगाते हैं और क्या कहेंगे। जो बुलडोजर पहले चल रहा था ये आगे भी जारी रहेगा, तेज होगा और तेज चलेगा। खात्मा करके आप सरकार में लौटे हैं जी, बहुत परेशान। अभी जो जनता जो बोल रही है कि महिलाओं के ऊपर वो उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षा मिल रही है, माफिया राज खत्म हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है, इसके ऊपर क्या बोल रहे? तो माफिया राज और गुंडा राज जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो जाएगा 5 साल में, और महिलाओं का पूरा सम्मान और सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरी बार सरकार में हमें कोई रोड तुम्हें निश्चित भाव हमें आलोचना करते वरिष्ठ नेता बीजेपी थिले आम सहित आम आलोचना करते सी जहाँ कहले बुलडोजर पुणी चलो बुलडोजर के अटक ना कि अटक ना पुणी चलो एटी जो माफिया राज रही गुंडा राज रही जो आईन श्रृंखला परिस्थिति पूर्वर जारी रही 2017-22 भितर जो पर आई पर धारा आगक
जारी रहिबो एवं आगो को जो जो जहाँ भी रोड मैप रही उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार जहाँ रोड मैप रही से ही आधार रे विकास आग को हम जो गरीब कल्याण योजना गुड़िक रही विभिन्न प्रकार योजना ताग को जारी रही है। जमी आप आलोचना करते पूरा खुशीर माहौल देखा मिलूँ और समस्ते बहुत उत्फुल्लित अच्छा विकास धारा आग को जारी रही जहाँ प्रतिक्रिया आसूँ बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा घटना पर आज नजर रखि था आपंक सूचना आपको अनेक धन्यवाद प्रदीप्त आशा भाई। परवर्ती खबर को श्रीमंदिर ऐतिह करिडर प्रकल्प बिवाद दिनकू दिन बढ़िवे लगी। श्रीमंदिर 75 मीटर परिधि मध्य बेआईन निर्माण को नहीं श्रीमंदिर सेवायत विभिन्न संगठन सहरवासी बुद्धिजीवी मान विरोध पर आज वकिल संघ बेआईन निर्माण स्थल को जा स्थित अनुधान कर जिलापा साक्षात कर निर्माण बंद करने को दावी जन एसआईर अनुमति पत्र न थी किभि बेआईन निर्माण कर सबुरी महल रे वर्तमान विरोध भाष देखा देउछि। किछि दिन पूर्वरु श्रीमंदिर 100 मीटर प्रोहिबिटेड एरिया मध्यरे कोनोसी निर्माण कार्य बेआईन बोली एएसआई सुपरिटेंडेंट कहितबा बेले एबे हेरिटेज करिडर भाग्य भविष्यत उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करछि। त्यागर मूल्य बर्तमान कह गले किसी रहा नहीं बर्तमान जितेबले भी या पूर्वर लोक मैंने घर करते परमिशन नाला जो मंदिर चारिपटे को व्यक्ति गोटे कंस्ट्रक्शन करें तार कि मानने पिकेडीए परमिशन दौला कि बर्तमान कौ आईन बल कौ आईन बल निर्माण कार्य चली से गोटाक प्रश्नवाची सृष्टि साधारण जनता मनरे एत बड़ बड़ जो खोला कार्य होते बोधे सरकार मंद उद्देश्य थीपे आम भाव ये गोटे हिडन हिडन आजेंडा सरकार गोपनीय भाव में यू कर साधारण लोकों ठूक मान नजर दूरे रखा चारिपट बड़ बड़ पाचेरी कराई जगन्नाथ मंदिर जो प्रकार परिस्थिति वर्तमान बर्तमान आर्कोलोजिकल 50 वर्ष भितर या रक्षणाबेक्षण करनी पथर खसी ये जो भाइब्रेसन हो खोला चलती बर्तमान 50 फुट 60 फुट लेखे जो गभीर खोला तेणु यहाँ आम जहाँ भावुँ एटा सी जो जोता स्टाण कि जिनसपत स्टाण कराई देखो सी पर अधे देखा एसआई टू एम एन ए टू सब अल्प देखा एसआई टू तो आसनी सी भिजिट लेटर लिखी भिजिट लेटर इज नॉट अ परमिशन किए भिजिट कला प्रधानमंत्री आसिले एनओसी तो सी देखो ना पूरा ना जो चारिधाड़ी देखे कि 40 धाड़ी लुचाऊँ से स्ट्रेट सीट लिखाई तुम एगुटा करनी रिसेप्शन सेंटर करनी बड़ बड़ गात कर बिल्डिंग करनी जोता स्टाण छता स्टाण का मोबाइल रखापी कौन एमती 60 फुटिया फाउंडेसन सब पड़े एगुटा पड़ी आज विराट विराट बिल्डिंग हम टावर तैयारी हम लजिंग हम होटेल हम तेल हजार हजार वर्षर मंदिर भांगिक आई निर्माण कर आमुक कौन कलापहाड़ प्रकृत किए कलापहाड़ लोक जा सारे हजार हजार वर्षर मठ भांगे मंदिर भांगे स्टाण भांगे धर्मशाला भांगे लोक घर भांगे कलापहाड़ भांगी आपने भांगे आम कड़े कलापहाड़ आम कला कोर्ट कलापहाड़ जवाब देवा को आसू आम कला कोर्ट सारे परमिशन अच्छी न अच्छी जो पर्पस बोली कहते से पर्पस आवश्यकता ना ये प्रकार कंस्ट्रक्शन करवाईगा आम हृदबोध हो प्रकार कंस्ट्रक्शन क्लॉक रूम पे का कि जोता स्टैंड पे का कि टॉयलेट पे का यार आवश्यकता नहीं। भद्रक जिलार सीमांतवर्ती अंचल तथा आरडी निकटस्थ बोड़क निकटे बैतरणी नदी को पुणि धसला 20 नंबर जातीय राजपथर 100 फुट रास्ता फल कुआखाई कुआखिया भाया आरडी रास्ता सातभाया रास्ता रे एबे यातायात ठप हो रास्ता दे प्रतिदिन कटक भुवनेश्वर आरंभ कर केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर आदि अंचल को लोक मैंने यातायात करते हैं जातीय राजपथर एक निर्दिष्ट स्थान में बारंबार बैतरणी नदी को धसुवर स्थानीय लोकों सहित आगंतुक पर्यटक मैंने नाना असुविधार सम्मुखीन होती एपरिक जातीय राजपथ विभाग पक्ष लक्ष लक्ष टा खर्च कर मरामती अति निम्नमान काम जो एपरी समस्या बारंबार घटू स्थानीय लोके अभियोग करछन्ते गाड़ी घोड़ा जीवाई बहुत विपद कटक भुवनेश्वर नहीं कि कलिकता पर्यंत भी लोक आसुछन्ति बाबा पाखक आम आखंडल पाखक आज से गोटे वाल निहाती जरूरी मैं अर्जेंट दरकार कि गाड़ी घोड़ा पूरा बंद हो गला असुविधा है लोक मैंने भी गाई गोर कतु छेली मेढा नहीं कि लोक मैंने भी बहुत विपद कहीं देखु आप देखु रास्ता कम ये हूँ दर कंचा रास्ता कम हो अल्प अल्प मले मले कौट भांगा कर बाग कम करूना आप देखुं ये कम हो कंचा कम हो देखुं नाली माटी पड़ी खा रास्ता दबी
ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆ, କଲେଜ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ସହର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ଏଠାରେ ହେବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ବି ଏଠି ହୋଇନି କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। 11 ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାମନଗର ସହରରେ 17,091 ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 6 ବଡ଼ ବଡ଼ ବଜାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସହରରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସହର ଭିତରେ ଥିବା ବଜାରରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବିଶ୍ରାମଗାର ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ପରିସ୍ରାଗାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆମ ସହରରେ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ର ସୁବିଧା, ହାଟ, ଡ୍ରେନେଜ୍, ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ, ବା ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ, ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପଶି ଗାଁର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା କରିପାରିବ, ଏବେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ, ଆଲୋକୀକରଣ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏକୁ ଯିଏ ଦୂରେଇ ପାରିବ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇବୁ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ା ବାକି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ହକ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ସମୟ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।